तो गाइस स्वागत है आप सभी का बजमी की एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने दोस्तों को जलाने के लिए अपनी केडी को कैसे बढ़ा सकते हो। 5 से ऊपर की केडी हो जाएगी आपकी मेरी तरह, और इतनी केडी देखकर तुम्हारे दोस्त क्या तुम्हारी जीएफ भी तुमसे जल जल कर काली हो जाएगी। अरे क्या मतलब तुम्हारी जीएफ ही नहीं है कोई, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ओ शिट, ये पता नहीं क्यों बड़कने लग रहा है, लगता है मैंने जलेपन नमक छिड़क दिया। देखो केडी बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, बंदों को मारना नहीं बॉट मारना। तो बॉट आपको मिलेंगे बिल्कुल सुनसान जगह पर, ऐसी जगह पर कूदो जहाँ पर कोई भी बंदा कूद नहीं सकता। जैसे कि मैं अभी यसना पसना से आ रहा था तो वहां पर मुझे 2 बॉट मिल गए और मेरी 2 किल शुरू में ही हो गई। तो ऐसे ही आपको अपनी केडी मेंटेन कर लिया, और उसके बाद आप अपने दोस्तों से बिल्कुल अलग कूदना मेरी तरह ही, क्योंकि आपके दोस्त होंगे साथ में तो उनको भी किल चाहिए। किल को छोड़ो, हाल फिलहाल मेरे पीछे एक टीम हाथ धोकर पड़ गई तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। उनका एक बंदा मेरे पास बग्गी लेके भी आ गया है, ये देखो भाई यहाँ पर मैं छुपा हुआ है, यहाँ से निकलना पड़ेगा गाइस, क्योंकि भाई सावधानी हटी दुर्घटना हटी ये वाला सीन हो जाएगा। किल बिल तो मिलते रहेंगे पूरे मैच में, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर उतर जाता हूँ। मुझे पता है ये बंदे मेरे पीछे जरूर आएंगे, तब इनके बंदों को मैं पेल के भाग जाऊंगा यहाँ से एक किल लेके। तो वेट करते हैं उसके बंदे का आने का। ये रहा ऊपर की साइड में, आजा आजा आजा, कहाँ गया ये, आ गया चाचा, कहाँ टहल रहे हो। तो हमने इसको गोली बना दिया, पूरा खा जाते हैं इसको। और दूसरा वाला बंदा गाइस आ गया, इसको भी पेलते हैं हम। लेकिन शिट गाइस, ये पेड़ के पीछे जाके चुप गया, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। इसको मैं दिखाई दे गया, और इसके बंदे भी आ जाएंगे। तो गाइस अभी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा बग्गी लेके, भाग चलते हैं। एक किल तो हो ही गया हमारा, तो यहाँ से निकलते हैं। और ये पूरी टीम मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गई है, और ये बाप रे भाई इतनी सारी हेल्प कर दी, मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो गाइस 90 की स्पीड में मैं बग्गी दौड़ाते दौड़ाते पिचौकी पहुँच गया हूँ, और यहाँ पर भी बंदे एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर और भी ज़्यादा किल्स बटोरेंगे हम। सामने से मुझे किसी के चरणों की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पर हम वेट करते हैं बंदों का। मेरी तरह आपको पेशेंस रखना है, बिल्कुल बिल्कुल वेट करो, कैंप करो ढंग से। और गाइस ये आ गया सामने से बंदा, अब हम इसको पेलेंगे बहुत ही ज्यादा गंदा, और इसकी पेटी बना देंगे। चलो बेटे बहुत देर हो गई, पहुंचो। तो गाइस मैंने इसकी पेटी बना दिया, और मैंने अपने बंदों को भी बुला लिया है। और इस वाले घर में इसका एक बंदा छुपा बैठा था, तो हम ऊपर से जाते हैं, और उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि हम ऊपर से आ रहे हैं। ये देखो भाई कहां पर बैठा था, ये लश्कर कच्चादारी। चलो इसकी भी पेटी बना दी, और ये क्या गाइस हमारे टीममेट भी आराम से फायर करने लग रहे हैं। अरे बाप रे भाई कौन फायर करने लग रहा है यार। गाइस यहां पर मेरी तरह एक और कैंपर बैठा हुआ था, लेकिन तुम्हारा भाई बच गया उस कैंपर से। देख रहे हो तुम्हारे भाई का जलवा, इनको अभी हम खिलाते हैं बहुत सारा हलवा। अगर गाइस आपके ऊपर कोई बंदा फायर कर रहा हो और आपको वो दिखाई नहीं दे रहा हो, तो ऐसे में अपनी भावनाओं को पीछे रखे केडी बढ़ाने की, और चुपचाप अपने टीममेट्स के पास चले जाए, क्योंकि आपकी पेटी बन जाएगी तो केडी तो घट ही जाएगी। तो इसलिए आप अपने चुपचाप टीममेट्स के पास जाए, रिवाइव दे उनको, और उनको ही फाइट करने के लिए भेजे, और आप पीछे से उनकी किल चुरा लो, जैसे कि मैं चुराने वाला हूँ इस नंबर 2 के ऊपर। अब कुछ कर होने वाला है, और मैं पीछे से उनकी किल चुराऊंगा। और ये नंबर 2 बैठा हुआ, और उसके बगल वाले घर में से ही बंदा कूदा, अब बारी इसको चुराने की। अरे यार नंबर 2 ने पहली किल ले ली, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरा वाला बंदा आएगा उसकी किल मैं जरूर चुराऊंगा। और ये हमने दोबारा किल चुरा ली एक और नंबर 2 से। तो ऐसे ही आप अपनी बहुत सारी किल्स कर सकते हो। अब हम जा रहे हैं नंबर 3 के को रिकॉल करने के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे याद आया भाई मैं क्यों रिस्क लूं, भाई कैंप पर बैठे होते रिकॉल टावर पे, तो हमारा नंबर 2 जो है उसको रिकॉल करने के लिए जाता है भाई, रैंडम बंदों के लिए रिस्क नहीं लेने का। नंबर 2 जाता है, और भाई उसको एक बंदा दिख जाता है जिसको वो अपनी गाड़ी से कुचल देता है, लेकिन कीमा बना देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमारे नंबर 2 का भी कीमा बन जाता है वहां पर जाकर। लेकिन मैं अपने नंबर 2 को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन भाई मैं हक जाता हूं यहां पर। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, ये हमारे नंबर 2 को पूरा फिनिश कर देता है, तो मैं इसके बंदे को पूरा खा जाता हूं। कहां पर है ये, हां ये रहा करता हुआ जा रहा है। तो हिसाब बराबर, उसने हमारा बंदा गाया, हमने उसका बंदा गाया, 6 किल हो चुके हैं गाइस। और हमारा नंबर 1 भाई नॉक कर दिया किसी कैंपर ने, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, मैं इसका बदला जरूर लूंगा, बराबर लूंगा। लगता है पूरे 3-4 बंदे हैं गाइस, तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। और गाइस भागने में तो तुम्हारा भाई हुसैन बोल्ट से भी आ गया है, मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, लेकिन भाई 3-4 बंदे हैं इकट्ठे आएंगे तो मुझे इकट्ठा ही पेल देंगे भाई साहब, तीनों चारों मेरे ऊपर। लेकिन तो मुझे अपनी भावनाओं को साइड में रखना पड़ेगा, और गाइस मैं यहाँ पर जाकर अब कैंप करूंगा उन बंदों के आने का जोन में। भाई वो मेरे ऊपर ग्रेनेड वगैरह उसी घर के ऊपर फेंकने लग रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि मैं इस घर पे आकर कैंप करने लग रहा हूँ। अब देखो सामने से 2 बंदे आ रहे हैं, अब मैं वेट करता हूँ पहले इस बंदों का आने का, बिल्कुल ओपन। भाई ऐसा नहीं है कि देखते ही तुम लोग फायर करने लग जाओ उनके ऊपर, ऐसा नहीं है, उनको कोई गलती करने दो। जैसे ये बंदा आ रहा है, अब इसको मैं पेलूंगा,
चलो बेटे पहुंचो लॉबी। देखा मेरे कैंपिंग करने का नतीजा। और गाइज अब इसका बंदा बहुत ही ज्यादा गंदा गुस्सा हो रहा है मेरे ऊपर, लेकिन तुम्हारा भाई उसको MK14 से पिलेगा। कहां पर है इसका बंदा, अब इसको भी मजा चकाते हैं कहां पर है। ओ ये रहा। चलो बेटे पहुंचो लॉबी। और गाइज अभी हमें जोन में जाना है क्योंकि इनका लास्ट वाला बंदा बचा है और मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि वो मेरे ऊपर स्प्रे ना कर दे, तो मैं जल्दी जल्दी जोन में चले जाता हूँ। उससे पहले जोन के अंदर से देखेंगे उन बंदों को और चलते हैं जोन के अंदर। कहाँ पर है बंदा इसका? अरे बाप रे भाई, यहाँ पर किसी बंदे का साउंड आ रहा है। इनका लास्ट वाला बंदा गाइस यहीं पर ही है। अरे ऐसे कैसे चचा, पेड़ के आर पार गोली करोगे क्या? हैकर हो रहे हो क्या? देखो गाइस इतनी इस बंदे की इतनी पटी मेरे से कि ये बंदा भाई साहब भाग गया जोन के अंदर। तो हम भी चलते हैं जोन के अंदर और जोन के अंदर से जाकर इस बंदे को मजा चकाएंगे। और ये रहा गाइस, हम आ चुके हैं जोन के अंदर, लेकिन भाई बाहर हो गए दोबारा। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, अभी हमारे ऊपर फायर आ रहा है, यहाँ से निकलना पड़ेगा। इन बंदों को पता नहीं मैं कहाँ से दिख गया। ये लास्ट वाला सर्कल है और 12 बंदे बचे हैं, देखते हैं हम कितने किल यहाँ से बटोर पाएंगे। 8 किल हमारे हो चुके हैं, आराम से आपके 8 की केडी तो आराम से बन जाएगी अगर आप इस तरह मेरी तरह कैंपिंग कर करके खेलोगे तो। तो गाइस अब मैं इस टंकी के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ से बंदे मुझे आसानी से दिख सकते हैं, वो बात एक अलग है। मुझे कोई बंदा वहाँ से दिखा नहीं, तो मैं इस घर की छत के ऊपर आ जाता हूँ और मुझे यहाँ पर एक बंदा दिखाई देता है घास में भागता हुआ। अबे चचा कहाँ भाग रहे हो? तो इसने मुझे देख लिया था, लेकिन कोई बात नहीं गाइस हम इसको पूरा खा जाते हैं ऐसे ही। तो हमारी गाइस 9 किल हो चुके हैं यहाँ पर। और गाइस अभी हम चलते हैं जोन के अंदर क्योंकि जोन के बाहर से लड़ाई करने में कोई फायदा नहीं बनता। अरे भाई कौन फायर करने लग रहा है भाई कैंप पर साला? तुम करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर डीला। तो गाइस वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है ना उसे काला कर दो और बगल में जो घंटा आ रहा है उसको भी दबा देना। तो मैं तुम्हारी होने वाली GF की कसम।